आप गायत्री मंदिर में आए हैं नौकरी पक्का, कि हमारे जीवन का जो आनंद था वो आनंद लुप्त हो गया, आनंद बचा ही नहीं, सारा आनंद कौन छीन लिया है हमसे। कैसे आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे? आज के समय में हर व्यक्ति ये चाहता तो है कि हमारा जीवन अच्छा बने, सुंदर बने, लेकिन अच्छाई की परिभाषा क्या है? किसी का जीवन अच्छा बने इसका परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा लोग ये मानते हैं कि हमारे पास कितना माल आ सकता है, जितना माल आ सकता है, जितना पैसा आ सकता है, उतना ही हमारा जीवन क्या बनेगा? सुंदर बनेगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, उनके जीवन में भी बहुत सारे कुरूपता है, समस्या है। तो जीवन को जीना कैसे है और जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। अगर हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो अध्यात्म से इसलिए जुड़ना चाहिए कि हमारा मन सुंदर हो। अभी देखिए, हमारे देश में पर्व बहुत होता है, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? अपने जीवन में क्या लाना? खुशी लाना। अभी दिवाली मन रहा है, दिवाली के 6 दिन बाद क्या मनेगा? छठ मनेगा। छठ किसकी पूजा है? सूर्य भगवान की उपासना है। और छठ हम लोग कहाँ पे खड़ा होके करते हैं? पानी में खड़ा होके करते हैं। पानी से छठ का क्या संबंध है? कोई आपसे पूछे कि पानी में ही खड़ा होके छठ भगवान का पूजा करना चाहिए, इसका विज्ञान क्या है? तो पानी में ही लोग क्यों खड़ा होते हैं? इसका कुछ तो कारण होगा जो भगवान के, सूर्य भगवान को हम लोग भगवान का पूजा करते हैं पानी में खड़ा होके। और दिन तो कभी नहीं खड़ा होते हैं, एक दिन खड़ा होते हैं। आप ये समझ लीजिए, अभी बेंगलोर में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है, करंट सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ करता है? पानी में करता है। और जब हम पानी में खड़े होके भगवान सूर्य की ध्यान करते हैं, तो सूर्य की किरण जो हमारे बॉडी पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, वो शरीर का मैग्नेटिक पावर कई गुना बढ़ा देता है, हमारे अंदर रोग निरोधक क्षमता पैदा हो जाता है। सूर्य का तेज जो है, जिसका हम ध्यान करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में। इसलिए हम लोग सूर्य की उपासना छठ पर्व के रूप में जल में खड़ा होके करते हैं। भारत के जितने भी पर्व त्यौहार थे, सबका एक विज्ञान था, एक साइंस था, एक अध्यात्म भी है और एक विज्ञान भी है। दीपावली मनाते हैं तो लोग कहते हैं दीपावली क्यों मना रहे हो? तो दीपावली मान लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान राम अयोध्या आए थे 14 वर्ष के बाद, तो उस खुशी में मनता है। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी आएंगी हमारे घर में, इसलिए हम मनाते हैं। एक ये अध्यात्म का पक्ष हो सकता है। दूसरा पक्ष है कि उस दिन जितने पहले दिया जलता था, अब तो दीपक जलता नहीं है, अब तो सब लोग लाइट बल्ब लगा लेते हैं, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते थे उस दीप में क्या होता था? जल जाता था, समाप्त हो जाता था जो हानिकारक होता था। तो ये सबका एक विज्ञान था। अपने देश के जितने भी पर्व त्यौहार हैं उनका एक विज्ञान है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते, आनंदपूर्ण बना सकते हैं, हंसी खुशी का जीवन। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है हंसी खुशी का। आजकल लोगों के जीवन में हंसी खुशी है ही नहीं, हमेशा टेंशन है, तनाव है, और वो तनाव दूर करना चाहता है किससे? किससे? मोबाइल से। मोबाइल तनाव बढ़ा देता है। सही बताते हैं, अगर पहले मोबाइल नहीं था, जिन लोगों को इसका अनुभव होगा, जिनके पास इसका अनुभव, कल्पना करिए जब मोबाइल नहीं था हमारे पास, तो कितना बढ़िया था। कोई सूचना नहीं मिलना है, पटना से चले घर पर, पटना पढ़ने के लिए घर से निकले, गांव का कोई सूचना मिलता था? जो लोग पढ़े होंगे उस जमाने, कोई सूचना नहीं कि गांव में किसका लाठी चला, किसका भैंस खेत चढ़ गया, भैंस को बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, दूध देना बंद की कि नहीं की,
चाची में या माई में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कोई सूचना नहीं। एक ही काम होता था, सिर्फ पढ़ना। अब क्या हो रहा है, मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर दिया। घर से चले, रास्ते में बस में बैठे, 3 बार फोन आ चुका है, कहाँ पहुँच लें बउआ, अभी तो पुल पार कर रहे हैं गांधी सेतु। ये क्या हो रहा है? फिर यहाँ आते आते, मतलब आपके जीवन में समस्या खड़ा करने के लिए एक छोटा डिब्बा दे दिया गया और समाधान के लिए कुछ नहीं है। रोज आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। पहले का जमाना ज़्यादा अच्छा था, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। मोबाइल आया था सुविधा के लिए कि असुविधा के लिए, बताइए? सुविधा के लिए। अच्छा, ये मोबाइल तक भी दिक्कत नहीं था, मोबाइल के बाद एक नया विज्ञान और आ गया। क्या आ गया? नेट आ गया। अब लीजिए मामला और फंस गया है। पहले प्यार मोहब्बत होता था, बहुत मुश्किल का काम था, बहुत टफ काम था, बहुत मेहनत का काम था। जो पुराने लोग होंगे उनको अनुभव होगा, जो नए होंगे उनको तो सही बताते हैं, बहुत मुश्किल काम था। चिट्ठी लिखिए, पहुंचाइए, कोई देख लिया तो लाठी भी खाइए। आजकल क्या है, एक खोजिए हजारों मिलेंगे। कौन बटन दबाएं, कौन छोड़ें? अच्छे, अभी वाला टाइम तो इसको दिए थे, उसके बाद वाला टाइम, यानी क्या हुआ, हमारे जीवन को उलझा के रख दिया, हमारे जीवन के विकास को क्या कर दिया, उलझा दिया। यह ऐसा उलझा दिया कि आप समझ नहीं सकते हैं कि आज के समय में ना तो लड़की का गारंटी है, ना लड़कों का गारंटी है कि शुद्ध माल होगा। ये मुश्किल है, दोनों तरफ मामला गड़बड़ है, चेहरा पर मत जाइएगा। ये क्या हुआ, हमारा जीवन विज्ञान इसलिए बना था कि जीवन में सहूलियत आए, लेकिन विज्ञान ने तो समस्या खड़ा कर दिया, तनाव बढ़ा दिया। अब ये तनाव क्या हो रहा है, आपके जीवन का जो वास्तविक आनंद है, जो व्यक्ति पहले जीवन जीता था वो जीवन समाप्त हो गया। पहले लोग घाट पर जाते थे छठ मनाने, तो छठ का आनंद लेते थे, जिनको अनुभव होगा। आजकल लोग छठ में जा रहे हैं क्या, 90% लोग तो मोबाइल लिए हुए हैं, वो छठ बाद में देखेगा मोबाइल, पहले सेल्फी ले लो एक, चलो सेल्फी जल्दी से डाल दो, दूसरा भी देख ले, कहीं उसी बीच में किसी का मैसेज आ गया कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का, तो उसका जवाब भी देना है, अगला बुझे कि बहुत व्यस्त आदमी है, फोन भी आ रहा है। निकम्मा लोगों को फोन ज्यादा आता है, हम सही बात। अच्छा, हमको, हाँ हम आपको बताते हैं, हमको फोन आता ही नहीं है। हम कई बार फोन रखे रह जाते हैं कि दिन भर में 5 को फोन कोई करे, सच्ची मंदिर में बता रहे हैं, और लोगों को देखते हैं धाई धाई फोन आ रहा है, भैया तू क्या है रे भाई, गवर्नर है कि मुख्यमंत्री है, निकम्मा है तोरा जैसा आई। जितने निकम्मे किस्म के लोग होंगे, माफ करना, काम के लोगों को फोन कम आता है, निकम्मे लोगों को फोन, अरे आप तुम करते क्या हो, जो तुम जरूर जाली आदमी हो लोगों को ठगने का कोशिश करते हो, लोगों को बेवकूफ, ऐसे लोगों के पास फोन ज्यादा आता है, जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, ठगता है। माफ करिएगा, कुछ हो सकता है जो बहुत बिजी रहता होगा, माने तो उसका बात अलग है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जीवन का जो आनंद था वो आनंद लुप्त हो गया, आनंद समाप्त हो गया, आनंद बचा ही नहीं। सारा आनंद कौन छीन लिया है हमसे, मन की खुशी किसने छीन लिया, विज्ञान ने छीन लिया। विज्ञान आया था सहूलियत देने के लिए, विज्ञान आया था सहूलियत देने के लिए, अब तो विज्ञान भी हमें समाप्त कर दिया। इसलिए साहब हमें विचार करना होगा कि जिंदगी भगवान ने क्या चीज के लिए दिया है, जीने के लिए कि मरने के लिए। हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, मर रहे हैं। पहले शादी होती थी लड़कियों की तो उसके साथ ये छोटका नहीं होता था, वो अपना गई बेचारी, रोई कानी छाती पीटी, जो हुआ दरवाजे तक मामला था, उसके बाद वहां निपट जाता था। आजकल क्या हो रहा है, घर घर में आग लगाने का व्यवस्था है, वहां पहुंची नहीं, सासू क्या बोली, सामान देखी थी, साड़ियों सब देखी, हाँ देखी, ननदिया मुंह नहीं ठ रही थी, अब लासा लड़ाई शुरू है, अब लड़ाई शुरू है। ये देखो कितना बढ़िया था, ना फोन था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, हर घर की कहानी, घर घर की कहानी। हमें तो लगता है ये विज्ञान को विकास करने से रोकना चाहिए कि भाई बहुत हुआ, तुम तो इतना विकास कर दिया कि कोरोना ला दिया तुम्हारे ही, कोई कहता है चाइना वायरस छोड़ दिया, तो विकास किया तब ना वायरस छोड़ा,
साहब हम तो ये कहते हैं विज्ञान को कहना चाहिए हम लोगों को मिलके कि साहब कुछ ऐसा करो कि लोगों के जीवन में खुशी आए। लोग दुखी जीवन जी रहा है, परेशानी का जीवन जी रहा है, टेंशन का जीवन जी रहा है। एक भी बिहार में नौकरी हारा से पूछिए क्या हाल है, बहुत महंगाई है। अरे भाई महंगाई है तो तोरा तो सैलरियो मिला हुआ जरा कुछ ना मिले से रे भाई है तो बताइए। माने आदमी अपने जीवन में त्रस्त है और ऊपर जाएगा भगवान पूछेंगे मस्ती मिला था, नहीं सर नहीं मिला, टेंशने में आ गए, फिर एक मौका दीजिए, नहीं इस बार गधा में भेजेंगे तोरा। सही बताते हैं। फिर वही होगा, भगवान कहेगा कि तुमको तो एक जन्म हम दिए थे, बढ़िया दिए थे न रे मनुष्य। नहीं दिए थे तो झोपड़िए में न भेजे थे, इस बार लालू जी के यहाँ भेज दीजिए। वहाँ भी तू दुखी रहेगा, वहाँ भी कहेगा कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं दिया, वन पर्यावरण दे दिया। लो भाई माने इंसान हर जगह दुखी है, हर जगह दुखी है। कहीं उसके जीवन में अध्यात्म का मतलब क्या है, आनंदपूर्ण जीवन, सुखी जीवन, खुशी। तो खुशी आपको कैसे, लोग हर व्यक्ति खुशी चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को क्या देना चाहता है, दुख देना चाहता है। अगर आप संकल्प ले लो, गायत्री मंत्र का ये बात मैं कह रहा हूं, गायत्री मंत्र का मतलब भी यही है। अगर आप संकल्प ले लो कि हमें लोगों को खुशी देना है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके जीवन में भरपूर मात्रा में खुशी मिलता रहेगा, आप हमेशा मस्त रहोगे। दूसरा कहेगा कि हम इतना 3 मोबाइल रख लिए हमारा टेंशन, रात में नींद नहीं आता है, आ तू छोटकी एगो रख लिए तो सुत रही बढ़िया से। हाँ भाई हमारा तो कोई लेने देना ना, हम अपनी बात बताते हैं, हम सच्ची बात बताते, हम सही बोलते हैं। कभी कभी यही लोग एक आध लोग फ़ोन कर देते हैं या हम ही किन्हीं को कर लेते हैं, नहीं तो हमको फ़ोन आता ही नहीं। हम कभी कभी सोचते हैं तो देखिए इंसान को अपने जीवन भगवान ने एक सीमित समय के लिए भेजा है। कितनों आप सुंदर बन लीजिए, सज लीजिए, धज लीजिए, हरियर का कुर्ता पहन लीजिए, अधकट्टी पहन लीजिए, कुर्ता कुछ कर लीजिए, लेकिन चलना है, जाना है ना। क्या बात कर रहे हैं, अभी काल्हे दिवाली है, आज ही सब बात मत बोलिए, जो सत्य है वो मत बोलिए, असत्य बोलिए। सब लोग इन दिनों कहाँ खुशी होता है, झूठ बोलने में। हम आपको अभी, आप गायत्री मंदिर में आए हैं नौकरी पक्का तुरंत ले, अरे कैसे पक्का, पढ़ेगा नहीं तो पक्का कैसे होगा रे भाई, झूठ बोले थोड़ा। आजकल झूठों की खेती हो रही है और धर्म मार्ग वाले लोग भी, जितने बाबा लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं वो ठग विद्या। अब हम एगो बाबा को देखे, तेज पत्ता जला दीजिए तो लक्ष्मी जी आ जाएंगे हम, और उसका देखने वाला जो YouTube पर उसका था मिलियन में देख रहा है। अब तेज पत्ता जलाने से लक्ष्मी जी आती हैं, तब तो जापान को तेज पत्ते जलाना चाहिए था भाई, अमेरिका को तेज पत्ते जलाना चाहिए था। हम लोग भी कल से यहाँ आप लोग के आने के पहले तेज पत्ता जला के रखेंगे कि भाई बढ़िया अंशदान दीजिएगा, गांधी मैदान का कार्यक्रम है, कहा है भाई तेज पत्ता जलाए हैं भैया, हाँ अंशदान के लिए जलाए हैं, माफ करिएगा। इन दिनों भारत के धर्म को, भारत के अध्यात्म को सारे लोगों ने चकनाचूर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमें तो वही अध्यात्म समझना चाहिए जिस अध्यात्म से व्यक्ति का जीवन सुंदर बने, सुखी बने, और जब तक इस धरती पर रहें आनंदपूर्ण ढंग से रहें। पश्चिम का नकल मत करिए, अमेरिका का नकल मत करिए। अमेरिका में जो, अच्छा एक बात बताइए, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, जो फसल कश्मीर में हो सकता है वो बिहार में हो सकता है क्या? जो फसल कश्मीर में हो सकता है वो बिहार में हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो फसल बिहार में हो सकता है वो कश्मीर में हो सकता है? नहीं हो सकता। हर जगह का फसल का पैदावार अलग टाइप का होता है। तो अमेरिका के जो लोगों का रहन सहन है या पश्चिम के लोगों का जो रहन सहन है उसका नकल अगर हम भारत में करेंगे तो हमारा समस्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, यही समस्या है। हम नकल उसका कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, वो फसल हमारे यहाँ नहीं चलेगा, वो फसल नहीं चलेगा हमारे यहाँ। कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्या हो रहा है इन दिनों, शादी हो रहा है टिक नहीं रहा है, शादी हो रहा है टिक नहीं। बिहार वहार तो मान लीजिए बैकवर्ड पिछड़े राज्य में हम लोग आते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा बढ़िया है, शादी टिक जाता है, मारो झगड़ा करके जाए में कहाँ।
सही बताते हैं, लेकिन आप चलिए तनी स्टैंडर्ड वाले जगह पर चल चलिए, बॉम्बे चलिए, नहीं पता ठीक है तुम भी अलग हो जाओ हम भी अलग हो जाते हैं, जैसे लोग कपड़ा बदलता है उसी तरह लोग पत्नी बदल लेता है, पति बदल लेता है, ये क्या हो रहा है, ये पश्चिम का हम क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हमारे जीवन में कभी भी इस तरीके से खुशी मिल ही नहीं सकता है। जो आनंद पहले मिट्टी के घर में रह के लोग प्राप्त करते थे, मिट्टी का घर होता था, बांस का घर होता था, उसे मिट्टी, ये छठ दिवाली के समय में हमें याद है गांवों में वो मिट्टी का जो उसको लगाया जाता था घरों में और उस पर मधुबनी पेंटिंग टाइप का पूरा बनाया जाता था, लोग क्या आनंद लेते थे। अब तो पक्का का मकान है, दिल भी पक्का हो गया है, माइंड भी पक्का है, हर जगह प्रोफेशनल टॉक होता है। आदमी इन दिनों उलझ गया है, उलझाया किसने, उलझाया किसने, किसी नहीं, हम स्वयं अपने जीवन को क्या किए हैं, उलझा लिए हैं। मकड़ा जाल बुनता है और एक दिन उसी जाल में लटक के मर जाता है। इंसान के जीवन धर्म अध्यात्म भी पूजा पाठ खूब हो रहा है, एक बात और बता देते हैं, इन दिनों पूजा पाठ का इतना भीड़ बढ़ा है, अच्छे अच्छे लोग अध्यात्म को नहीं मानते हैं लेकिन पूजा खूब करते। भैया हमारे देश का ये कैसा पूजा है जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन गरीब बनाते जा रहा है। अभी देखिए कार्तिक का महीना है, गंगा जी में लोग डुबकी लगा रहे, बड़ी भीड़ जाती है गंगा जी में, क्या भाई, तो कार्तिक भगवान लाभ दे जाएंगे। अब ये बताइए, हम मन को साफ किए नहीं, तन को गंगा जी में साफ करके आ गए और वो भी उसका कोई लाभ मिलेगा क्या? ये सारी चीजों को कौन समझाएगा, इस राष्ट्र को कौन खड़ा करेगा? ये मरे हुए मुर्दे जिनका हड्डी टूटा हुआ है, रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है, इसके भरोसे तो गोबर उठाने का भी नौकरी इनको नहीं मिलेगा। मैं इस दिवाली में कह रहा हूं, भैया गोबर उठाने वाला फॉर्म भरे थे, नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा, नोट कर लो, गोबर उठाने का नौकरी नहीं मिलने जा रहा है। अभी बिहार सरकार ने नौकरी दिया है कितने लोगों को, बांटा है भाई, नौकरी बांट दिया है, अरे बांटा ना भी, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सब लोग मिलकर बांटे ना भी, कितना बांटे हैं, 11,000। अब सुन लीजिए, 7,500। और सैलरी कितना है पता है ना, स्वास्थ्य विभाग में सैलरी 11,000, 7,500 नौकरी बताया है, सैलरी कितना, 11,000, और भी अपने शहर में नहीं दूसरे टाउन में आपको जॉब मिल रहा है 11,000 में, रूम रेंट, खाना, अब ब्याह होगा तब छप्पर पर रखिएगा पत्नी के, देखिए 11,000 में नौकरी मिल रहा है, कहां से देगा, कोई नहीं देगा, कोई नौकरी देगा कैसे, पैसा है या नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ है, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो इतना बढ़ रहा है इसको रोकने पर अगर कोई कुछ बोलता है तो कहता है कि मत बोलिए, बढ़ने दीजिए, भगवान का आशीर्वाद है, लो भाई लो आशीर्वाद, लीजिए आशीर्वाद है। बाबूजी चार भाई थे हैं, चारों भाई के दो दो गो बेटा, किसी को तीन गो बेटा, कै गो हुआ, 12-14 गो, और 14 गो के फिर तीन तीन गो, कै गो हुआ, 44 गो, जमीन था 12 बीघा, अब 42 भाग में बांटिए हालो चलेगा वो जमीन में, नहीं चलेगा, नहीं सोचने का, हमको सोचना ही नहीं है, हम तो मंदिर आए हैं, नीचे दिया जलाएंगे, ये लोग दिया नीचे मिल जाएगा, जला दीजिएगा गायत्री माता, गायत्री माता अंधेरा में रहती हैं, आप ही की दिया पर के बल पर वो चलती है, नहीं तो बेचारी पट्टी बांध के कहाँ रहें, बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए युवा प्रकोष्ठ का काम जो है गायत्री मंत्र जपना, अपने अंदर के अंधकार को दूर भगाना, बाहर का अंधकार से ज्यादा जरूरी कहाँ का अंधकार भगाना है, अंदर का, अगर अंदर का अंधकार नहीं भगाया गया तो याद रख लीजिएगा आपके जीवन में कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। सोना के महल में भी ले जाके आपको बैठा दिया जाएगा तो आप कहिएगा गर्मी बहुत लग रहा है, ओरिजिनल सोना है ना रे अब सही बता रहे, इंसान के जीवन में दुख है ना, कहीं आनंद नहीं, हमेशा परेशान रहता है, साइकिल पर चलता था तब परेशान, बुलेट खरीद लिया तो परेशान,
हमेशा परेशान जिंदगी भगवान ने। अरे छात्र जीवन का भी अपना एक मजा है, ये मजा बात दोबारा नहीं मिलेगा, जब बूढ़ा होइएगा ना तब समझ में आएगा कि क्या मजा था। चौकी पर सुतते थे, रात में गिरी हो जाते थे तो कोई देखने वाला नहीं था, अपने उठ के फिर सो जाते थे, हैं? ये बाद में याद कीजिएगा। अरे एक एक क्षण का एंजॉय करिए भगवान का, यही भगवान का आशीर्वाद है। पढ़िए भी तो मजा लेके पढ़िए, जो जिंदगी में मजा नहीं ले सकता है वो पढ़ाई में भी मजा नहीं ले सकता है, नोट कर लीजिए। टेंशन में पढ़ाई होता है। पिछला बार जीएसई पूछा था, अगला बार ये पूछा था, देखना कुछ न पूछा था, माफ करिएगा। इसलिए भाई गायत्री मंत्र का सीधा सीधा मतलब है अपने भीतर क्या लाना, आनंद लाना, खुशी लाना। और खुश जिस जो भीतर से खुश रहेगा उसका चेहरा बोलेगा, और दुखी इंसान का चेहरा भी हमेशा, अगर ज्यादा दुख में रहिएगा टेंशन में तो कितनों क्रीम पोतिएगा, रगर मोर लल्ला, तो मैं आपको बता देता हूं क्रीम में चमक है ही नहीं। चमक तो भीतर का प्रभाव चेहरा पर आता है, और भीतर से एकदम परेशान है, भाई के ब्याह है वाला है, का जाने भौजैया कैसी आएगी, कहीं हमरे लाठी दिखाई तब ला, अब आएगी वो भूतकाल का बात सोचे बड़ी मुश्किल है। इसलिए अगर चेहरा चमकाना चाहते हैं, काला गोरा से भगवान को कोई लेना देना नहीं, चेहरा किसी का भी चमक सकता है, भीतर से प्रसन्न रहिए। लोग देख के पूछेगा कौन क्रीम लगाती हो आप लोग, हिम्मत कहिएगा फेयर एंड लवली लगाते हैं और लगाते हैं कौन, आजकल तो एक से एक क्रीम आ गया। अच्छा भैंसी को अगर, भैंस को अगर फेयर एंड लवली लगाया जाए तो काला भैंस उजला हो जाएगा नहीं साहब, नहीं होगा, सब बेवकूफ बनाता है। जितने क्रीम पाउडर बेचने, सुन लीजिए आप लोग के लिए भी है, ये लोग भी कम नहीं है, ये सब छुपा रुस्तम है, हाँ ये सब भी एकदम रखता है छोटकी, जो कोई देखे नहीं धीरे से ऐसे करके निकलता है युवा मंडल में। आ हम भी सोचे हैं अब वहाँ पर चेकिंग कराएंगे लड़का सबको, देखता है लगेले रे, हाँ नहीं, इसलिए ये जितना प्रचार करता है क्रीम पाउडर एसनो फलना चला, जो लोग लगा, हम तो कहते हैं नेचुरल ब्यूटी जो भगवान ने दिया है, भीतर से खुश रहिएगा, चेहरा में हमेशा सुंदरता बना रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, मस्ती का जीवन, खुशी का जीवन, आनंदमय जीवन, इसी का नाम गायत्री उपासना है। गायत्री जपने के बाद बहुत लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, मैं का होलो भाई का होलो, ये गायत्री जप हथी आए तू, गायत्री जप हथी तो तू इतना सीरियस कैल हो गए। एगो एक बार हम लोग नया नया गायत्री परिवार में जुड़े थे, और पीला धोती कुर्ता में बाहर के लोग आते थे एकदम सीरियस, तो हम सोचते थे हो सकता है मंत्र जपता होगा ना तो सीरियस हो जाता होगा। हम कहे अजीब आदमी है भाई, एक तो सटहू में डर लगता है, बहुत सीरियस है। अच्छा मैं जब भी गायत्री जपा तो भाई हमें तो कभी भीतर से, हम तो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, भाई लोग के साथ भी बैठते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, हम सीरियस कभी होते ही नहीं। जो होगा देखा जाएगा, वर्तमान को ठीक कर लो, भविष्य हमेशा तुम्हारा ठीक रहेगा। ये गायत्री की साधना है, इस विज्ञान को घर घर पहुंचा दीजिए। जितना ज्यादा घर घर, जितना जल्दी इस विज्ञान को पहुंचाइएगा, सारा जगत सुंदर होते चला जाएगा। दूसरा कोई मेथड नहीं है, लाइए हम लिख के दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम मकान बना लेंगे तो खुशी हो जाएंगे, मार्बल लगा देंगे तो खुशी हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं बढ़िया बढ़िया मकान बनाने वाला पटना में, कई बार हम जाते हैं देखते हैं, जगुआर का वो लगा लेता है क्या हो झरना, काट देता है भैया गृह प्रवेश है जरूर आइएगा। हम लोग भी बैठे ही रहते हैं कार्ड के इंतजार में, लाओ चलते हैं, तो उसके गृह प्रवेश में जाइएगा तो रूम बाद में दिखाएगा, पहले बाथरूम दिखाएगा, ये झरना है भैया, ऐसे करिएगा ना तो एकदम बॉडी को चार्ज कर देगा, ये वाला फलाना है, अरे भाई देख ले पहले बाथरूम बाद में, पहले किचन दिखाते हल का खाए पिएला बने वाला नहीं, नहीं आदमी उस बाथरूम से भी दुखी रहेगा हमेशा। आपको मैं बता देता हूँ, बाथरूम बना लिया, खूब पैसा लगाया, खर्चा किया, अरे एगो गेस्ट आया था इसको ऐंठ दिया, अब लगता अगर बीपी बढ़ल है ऐंठ दिया तो ऐंठ दिया, अरे बुढ़वा तू बनैले हल खुशी लागी कि दुख लागी से बतोरे भाई, बड़ी विचित्र हालत है लोगों का। देखिए ना उसका छोटा बच्चा आया था सोफा नोच दिया, अरे नोच दिले तू
तू बंजर भूमि में रह मेरे, कोई ऐबे जेबे नहीं कर। आज का लोग चाहते ही नहीं है कि कोई गेस्ट हमारे यहाँ, सही बताते हैं। तो भाई आप ऐसा करो, बड़े जगहों पर पहले लिख दिया जाता था, अभी लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। अब आप अपने रूम के गेस्ट गेट पर लगा दो, गेस्ट से सावधान। एगो फिल्म हम देखे थे गेस्ट वाला, अतिथि कब जाओगे, अरे क्या बात है रे भाई। अच्छा कितने लोग देखे उस फिल्म को? चलो ठीक है, हम उसको 3-4 बार देखे उस फिल्म को। माने उसमें टेक्निक भी बताता है कि अतिथि को कैसे भगाओगे। और अतिथि ऐसा मजबूत था, अरे क्या गायत्री का साधना, अरे गायत्री मतलब आनंद। अगर स्टूडेंट के जीवन में भीतर का आनंद नहीं आएगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ उसका पढ़ाई सबसे गोबरदास, ओकर नाम रखा गोबरदास। अरे गोबरदास का कर रही रे गोबरा, रेलवे के तैयारी कर रही हो, तोरा गोबर उठावे के नौकरी नहीं मिलतो गोबर। हमू आज युवा मंडल के बोले हो, सुन ले, उठगी हैं बाबू माई के जो पढ़ता हूँ पटना में, आ सुतता हूँ आ खाना बनाता हूँ और रात में गिर जाता हूँ। ये सुन लीजिए, ये गायत्री मंत्र है। किसने कह दिया कि गायत्री मंत्र? अरे गायत्री मंत्र अध्यात्म इसका नाम है कि व्यक्ति अपने जीवन को आनंद से जीना सीख ले, मस्ती से जीना सीख ले, खुशी से जीना सीख ले। और मैं एक बात कहता हूँ, अगर भीतर से खुश रहोगे ना तो संसार में हर जगह खुशी मिलेगी, और भीतर से दुखी हैं तो हर जगह दुखी रहोगे। और ये भी कल्पना नहीं करिए कि आपके आसपास के लोग अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आपको उसी में रहना सीखना पड़ेगा और आपको स्वीकार करना सीखना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप अपने को खुश रखो, ये तरीका विकसित कर लो, और तभी आपके पढ़ाई की क्वालिटी, किस चीज़ की क्वालिटी? पढ़ाई की क्वालिटी, सुन लीजिए, ऐसे ही कोई नहीं सफल हो जाता है। तब आपको जब पढ़ने में मजा आएगा, जब भीतर से आप दुखी रहिएगा तो पढ़ने में मजा आएगा? कभी नहीं आएगा, हमेशा आप टेंशन में रहिएगा। इसलिए भीतर को प्रसन्न करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। कोई पूछे कि मंदिर इसलिए जाते थे, भगवान की उपासना इसलिए करते थे कि भगवान से हम कहते थे कि हे भगवान हमारे और खुशी रहने का एक तरीका और भी, सुन लीजिए सब लोग, क्या? खुशी बांटना सीखिए, खुशी बांटना सीखिए, देखिए आप ऑटोमेटिक खुश रहिएगा। खुशी कहीं मिलता नहीं है, भगवान भगवान के यहाँ तो एकदम नहीं मिलता है, खुशी आपके पास है। बांटिएगा कैसे? पैसा नहीं है कोई बात नहीं, किस चीज से बांटिएगा? अरे लोगों का, किसी के मन में कोई दुख तकलीफ है उसको दूर करिए, विचार से ही दूर करिए। अपने यहाँ तो एक प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख माप भवेत्। ये साहब हम तो उस प्रार्थना की बात करते हैं, युवा मंडल में यही प्रार्थना है, ये उद्देश्य है। अगर हमारे एक भाई बीमार पड़ जाते हैं, 10 भाई वहां खड़े हो जाते हैं कि हम ब्लड लेके खड़ा हैं, आप मेरा ब्लड ले लो, वो ब्लड लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि हमें कुछ होने वाला नहीं है, हमारे भाई लोग बाहर खड़े हैं। ये विश्वास समाज में जब जिस दिन खड़ा हो जाएगा, उसी दिन धरती पर क्या आ जाएगा? स्वर्ग। गुरुदेव ने क्या कहा है? स्वर्ग धरती पर आएगा। कैसे आएगा? इंद्र भगवान आ जाएंगे, मेनका नाचेगी यहाँ, हम लोग उसका नाच देखेंगे। बहुत लोग सोचता है कि स्वर्ग धरती पर आएगा, मेनका का नाच होगा, हम सब गांधी मैदान में नाच देखेंगे, खेसरिया गाएगा, मेनका नाचेगी। लव और खेसरी ये है, हैं? माफ करिएगा, इस धरती पर स्वर्ग तब आएगा जब हर व्यक्ति एक दूसरे को खुशी देना सीख लेगा।